हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कोटक महिंद्रा के 811 अकाउंट के चेकबुक का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो देखो, हमें चेकबुक की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट की चेकबुक की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो देखो, ये पूरी तरीके से डिजिटल अकाउंट है। जैसे नॉर्मली हम किसी बैंक में, जैसे सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो वहाँ पर हमें पासबुक दिया जाता है जो आपके अकाउंट का एक प्रूफ होता है। लेकिन कोटक महिंद्रा का जो 811 अकाउंट है वो पूरी तरीके से डिजिटल अकाउंट है। तो इसीलिए आपको अकाउंट प्रूफ के लिए चेकबुक की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लो आप कहीं म्यूचुअल फंड पे अपना अकाउंट वेरीफाई करा रहे हो, या फिर कहीं ट्रेडिंग अकाउंट पे अपना वेरीफाई करा रहे हो, या फिर आपको गैस सब्सिडी में आपको अपना अकाउंट सीडिंग कराना है, तो वहाँ पे आपको क्रॉस चेकबुक की ज़रूरत पड़ेगी या फिर पासबुक की ज़रूरत पड़ती है। तो पासबुक इसमें मिलेगा नहीं, तो इसके जगह पर आप क्रॉस चेकबुक का यूज़ कर सकते हो। और इस चेकबुक का एक अलग से वैल्यू भी है, क्योंकि ये पूरा अकाउंट आपका डिजिटल है और आपके पास में फिजिकल प्रूफ के लिए आपके पास में कोई कागज़ नहीं है, तो आपके फिजिकल प्रूफ के लिए ये चेकबुक काम करेगा। और इसके अलावा तो आप नॉर्मल यूज़ जानते ही हो कि चेकबुक का यूज़ आप किसी को पैसे देने के लिए कर सकते हो। और ये जो चेकबुक है कोटक महिंद्रा का 811 का जो चेकबुक है, ये ऑल इंडिया एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब आप इंडिया में कहीं भी इस चेकबुक का यूज़ कर सकते हो। तो खैर, मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो मैं पहले से पैकेट को खोल लिया था, तो इस तरीके का ये चेकबुक का ये पूरा मेन मतलब कॉपी रहेगा, और इसके साथ में इसका कुछ मैनुअल्स दिया हुआ है, और साथ में इसके साथ में फ़ीस एंड चार्जेस भी दिए हुए हैं। फ़ीस एंड चार्जेस 811 के अकाउंट का नहीं दिया हुआ है, अदर प्रोडक्ट्स के दिए हुए हैं। तो ये खैर कोई काम का नहीं है, ये फालतू में दिया हुआ है, तो इसको किनारे कर दो। और ये है मेन चेकबुक आपका, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस प्रिंट होगा, और यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह प्रिंट रहेगा। और इसके बाद में फिर जैसे चेकबुक का जो पेज है, और यहाँ पे मेंशन रहता है कि कोटक 811 का फुल केवाईसी अकाउंट का एक चेकबुक है, और इधर अकाउंट नंबर मतलब नॉर्मल से चेकबुक रहता है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मेंशन रहता है कि कोटक 811 अकाउंट का चेकबुक है, बाकी ये जैसे नॉर्मल जो अकाउंट रहता है कोटक का उसी तरीके का चेकबुक रहता है, लेकिन बस यहाँ पे 811 वाले अकाउंट में यहाँ पे बस मेंशन रहता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। और ये यहाँ पे देख सकते हो कि पेबल एट आल लोकेशन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।